नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्राउड हमारा भी काफ़ी ज़्यादा, हमारी स्पोर्ट में भी आए हुए थे। बस यही था, मैं जब बॉलिंग करने आया हूँ तो मुझे, जब मेरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी नर्वस हुआ, लेकिन मैंने क्राउड की तरफ नहीं देखा है, मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा है, वो ऊपर मुझे बैठ के मुझे अप्रिशिएट कर रही थी फिर भी, तो मुझे पता लगा कि कोई नहीं, दुआएं तो हैं साथ, इंशाल्लाह अच्छा कमबैक होगा। तो वो माशाल्लाह ऐसा कमबैक हुआ, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा मैच देखने आई और मैंने 6 विकेटें ले ली हैं। मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि जी मुझे ना जब कोई सजदा करता ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने 5 विकेटें ली पहले तो उधर डोमेस्टिक में ना, तो सजदा मैंने किया लेकिन शायद वो ना लाइव नहीं देख सकी हैं, तो बड़ा मुझे फ़ोन करके कहती थी कि मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें सजदा करते देखूँगा। आज वो फर्स्ट टाइम मैच देखने आई हैं, तो मैच से पहले भी मुझे यही कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि सजदा करूँ, और ऐसा हुआ कि स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद 6 विकेटें ली हैं और सजदा किया। बस दिल में यही था कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी और वो पता नहीं कितनी दुआएं कर रही हैं कि वो आज कबूल होगी इधर। बिल्कुल एज अ स्पिनर काफ़ी मुश्किल होता है जब आप शॉर्ट बाउंड्री की तरफ से भी बॉलिंग कर रहे होते हो और बोर्ड पे इतने रन्स भी हो रहे होते हैं और आप पर बैट्समैन चार्ज भी कर रहा होता है, लेकिन आई थिंक आपको अपने बेसिक पे रहना चाहिए और जो आप अच्छा करते हैं ना उसको, उस पर बिलीव होना चाहिए और वही करना चाहिए। अभी का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था हुआ है लेकिन कप्तान को भी मेरे पे बिलीव था और मुझे फिर उसके बिलीव ने मुझे अपने ऊपर बिलीव आया कि मैं इंशाल्लाह करूँगा, तो उसी तरह मैंने अपने आप अपने स्किल को बैक किया और सक्सेस मिली अल्हम्दुलिल्लाह।